13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल ले जाया जाएगा अब्बास अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट ने फातिहा समारोह में शामिल होने की अनुमति दी है और कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। फातिहा पढ़ते हुए नजर आएगा अब्बास अंसारी। मुख्तार की कब्र पर आज फातिहा पढ़ेगा अब्बास अंसारी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। विनाश, आज फातिहा पढ़ेगा मुख्तार की कब्र पर अब्बास अंसारी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, हालांकि उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था जब मुख्तार की मौत हुई थी। दरअसल अब्बास अंसारी की तरफ से यह कहा गया था कि चूंकि वो अपने बाप की जो एक रीति होती है, जो एक रिवाज है, उसमें जाना चाहता है, लेकिन तब कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया था। लेकिन चूंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी थी और आज क्योंकि जिस जेल में बंद है अब्बास अंसारी, उस जेल से उसको गाजीपुर से मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा जहां पर मुख्तार अंसारी दफन है। तो वहां पर एक मुस्लिम एक प्रक्रिया होती है, धार्मिक प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तौर पर अब्बास अंसारी को ले जाया जाएगा जहां पर फातिहा जो रिवाज होती है उस रिवाज को दोहराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो एक विवाद तक वो विवाद खत्म हो गया है, लेकिन मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी परिवार की तरफ से लगातार दबाव बनाने की या कह सकते हैं कि एक आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है सरकार के ऊपर कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों को बताने की सरकार कोशिश कर रही है। तो आज उसी कड़ी में अब्बास अंसारी गाजीपुर जा रहा है। ठीक है विनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।